Why today an Indian doctor is in danger? क्यों एक इंडियन डॉक्टर आज सुरक्षित महसूस नहीं करता है और खतरे में है? बुरे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ओवर स्पीडिंग होती है, ड्रिंक एंड ड्राइव भी होता है, पर जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, गलती से भी मर जाता है, तो उसकी गलती का भांडा डॉक्टर्स के ऊपर फोड़ा जाता है। लोगों की खुद की बुरी हैबिट्स की वजह से, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गुटखा च्यूइंग, इन सब चीजों की वजह से लोग अस्पताल तक पहुंचते हैं, और अगर डॉक्टर उसे ना बचा पाए तो वो डॉक्टर की गलती है। डॉक्टर को ब्लेम करो और उसे मार दो। बुरी फूड हैबिट्स की वजह से, ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से लोगों को हार्ट इश्यूज, शुगर इश्यूज, वेट इश्यूज सब हो जाते हैं। बट अगर डॉक्टर उसे सही ना कर पाए तो डॉक्टर को ब्लेम करो और आजकल तो उसे मारो। यहां तक कि कोविड की महामारी में कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान दे दी, उनकी फैमिलीज खराब हो गई, तब भी हम लोग बाज नहीं आए, और कोविड में किसी की डेथ हुई तो डॉक्टर्स को पीटा गया, डॉक्टर को मारा गया। क्या ये सही है? फॉरेन कंट्रीज में रोनाल्डो जैसे प्लेयर का जब बच्चा वो नहीं बचा पाए, उन्होंने तब भी लास्ट मोमेंट तक ट्राई किया। क्या उनके पास पैसा नहीं था, इक्विपमेंट्स नहीं थे, हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं थी? सब कुछ था। उसके बाद भी अगर वो बच्चा नहीं बच पाया तो उसका जिम्मेवार उन्होंने किसी भी डॉक्टर को नहीं ठहराया। उन्होंने सभी डॉक्टर्स को, सारे हॉस्पिटल स्टाफ को अपनी तरफ से एफर्ट्स देने के लिए थैंक यू बोला। बट दूसरी तरफ इंडिया में ही जब एक गायनोकोलॉजिस्ट एक क्रिटिकल केस से एक बच्चे को नहीं बचा पाई, तो पुलिस के प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर में उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जान तक देनी पड़ी। So let's take it one by one. क्यों हो रहा है ये सब कुछ? पहला पॉइंट, misleading informations by the media and the entertainment industry. जहां एक तरफ देखा जाता है कि बड़े बड़े एक्टर्स लाइक अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, जो कि एक गुटखा ब्रांड प्रमोट करते हैं, तो क्या उस गुटखा खाने से कैंसर नहीं हो सकता? और जब किसी को कैंसर हो जाता है तो पत्थर पड़ते हैं डॉक्टर के अस्पताल पे, उनके घर पे नहीं। तो इसलिए हमें ये सोच रखनी पड़ेगी क्लियर कि कौन उस चीज को प्रमोट कर रहा है और कौन उस चीज से आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। आमिर खान जैसे दोगले लोग, जो कि अपने प्रमोशनल शोज में, जो कि सत्यमेव जयते सबने देखा होगा, उसमें बोला करते थे एक टाइम पे कि जेनरिक मेडिकेशंस क्यों नहीं लिखते हैं डॉक्टर, पैसा कमाने के लिए लिखी जाती हैं ब्रांडेड दवाइयां। मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्ची पर जेनरिक नाम क्यों नहीं लिख के देते, क्यों लिखते हैं वो ब्रांडेड? बट आज वही इंसान फार्म इजी जैसी ऐप पर सारी ब्रांडेड दवाइयां बेचते हुए ही पाया जा रहा है। दूसरा, इस कंट्री में एक नोशन बन चुका है कि सिर्फ डॉक्टर ही पैसा कमाता है और वो आपकी बीमारी से पैसा कमाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कंट्री के अंदर क्या एक पॉलिटिशियन पैसा नहीं कमाता? क्या एक क्रिकेटर IPL खेल के पैसा नहीं कमाता? क्या एक एक्टर मूवीज कर करके पैसा नहीं कमाता? तो अगर एक डॉक्टर पैसा कमाता है तो उससे तकलीफ क्या है? और आपको और हमको, ये सब लोगों को क्लियर है कि ना ही पॉलिटिशियंस अपना टाइम ज़्यादा पढ़ने में बर्बाद करते हैं, ना ही क्रिकेटर्स और ना ही एक्टर्स। तो एक डॉक्टर जो कि अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में ही बिता देता है, तो वो अगर पैसा कमाता है तो वो कहाँ गलत है, ये आपको अपने आप से पूछना है। और आज भी इंडिया के अंदर आपका खुद का बच्चा कोई प्रोफेशन चूज करेगा और कुछ बनना चाहेगा, तो आज आप उसको भी बोलेंगे कि बेटा डॉक्टर ही बनियो। पर आज अगर आप मुझसे पूछेंगे, एज अ डॉक्टर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इंडिया के अंदर मेरा बच्चा डॉक्टर बने।